Hello lovelies, welcome back to my channel. My name is Nidhi and in this video I did this blue smoky eye makeup. So अगर आपको interest है ये जानने में कि मैंने किस तरीके से ये simple eye makeup look create किया है तो ये video end तक ज़रूर देखना. So guys now let's get started. और सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने eye area को prime कर लिया. उसके बाद मैंने foundation लगा के मैं एक पूरा एक base create कर रही हूँ ताकि कोई भी color discoloration ना हो. और ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से फाउंडेशन लगाना चाहते हो. आप चाहो तो अपने फिंगर्स से अच्छे से पूरा ब्लेंड कर सकते हो, या आप चाहो तो ब्रश से करो, या आप ब्यूटी ब्लेंडर से करो, आप कैसे भी कर सकते हो. और जब भी आप ये फाउंडेशन लगाओ तो आप सिर्फ आई एरिया को ही कवर नहीं करो, आईब्रोज के ऊपर तक अच्छे से पूरा इस एरिया को कवर करो. और अगर आपको लगता है कि थोड़े से आपके डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं या थोड़ी सी डिस्कलरेशन अभी भी है तो आप कंसीलर से इसको करेक्ट कर सकते हो, राइट. और विद द हेल्प ऑफ सेम ब्रश आप अच्छे से उसको डैब डैब करके उसको पूरा सेट कर दो. एंड आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन एंड कंसीलर मैंने लूज पाउडर लिया है और अपने आई एरिया को अच्छे से पूरा कवर कर रही हूँ. आप देख सकते हो दोनों आईज में अगर आपको दिख रहा हो तो फ़र्क बहुत ज़्यादा दिख रहा है. उसके बाद मैंने अपनी आईब्रोज को डिफाइन किया. सो गाइस नाउ विल स्टार्ट द आई मेकअप. और मैंने जो ये लुक क्रिएट किया है ब्लू स्मोकी आई, वो मैंने सिर्फ 3 आई शेडो से क्रिएट किया है, दैट इज़ ब्लैक, ब्राउन एंड डार्क ब्लू. सो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया और ब्लैक शेड लेके मैं अपने आई लिड पे इस तरीके से लगा रही हूँ. डोंट वरी अबाउट द नीटनेस, वो बाद में ब्लेंड होके अच्छे से पूरा सेट हो जाता है. आप देख सकते हो मैंने ब्लेंडिंग ब्रश से उसको पूरा अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. आप चाहो तो ब्लैक आई शेडो लो, या आप चाहो तो काजल से भी कर सकते हो. सो बेसिकली ब्लेंडिंग इज़ द मस्ट, ब्लेंडिंग आप अच्छे से करो. उसके बाद मैंने ब्राउन शेड लिया, लाइट ब्राउन, और सिर्फ आउटर लिड एरिया पे, मैं पूरे पे नहीं लगा रही हूँ, जस्ट आउटर लिड एरिया पे बाहर से अंदर इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ. सो गाइस यू कैन सी मैंने वीडियो को स्पीड अप नहीं किया है, मैं इसी तरीके से ब्लेंडिंग कर रही थी बाहर से अंदर. सो उसके बाद मैंने डार्क ब्लू शेड लिया. आप कभी भी शेड लो तो आप ज़्यादा ओवर मत लो एक बार में, आप हल्का हल्का लगाओ और उसके बाद ब्लेंडिंग करो. और ब्लेंडिंग करते करते आपको जब लगे ना कि हाँ थोड़ा सा और चाहिए, थोड़ा सा और कलर चाहिए, सो आप तब ऐड ऑन करो, आप एकदम से ओवर कलर मत लिया करो. तो आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा कलर लिया, उसको लगाया, उसके बाद मैं ब्लेंड कर रही हूँ. अब उसके बाद मुझे और थोड़ा डार्क ब्लू चाहिए था तो मैंने अपने फिंगर्स से शेड लेके अपने लिड एरिया पे इस तरीके से लगाया. एंड आफ्टर दैट आई एम डूइंग ब्लेंडिंग. कितना फ़र्क आ जाता है कलर को जब हम ब्लेंड करते हैं, राइट. अब मुझे और थोड़ा सा ब्लू चाहिए था तो मैंने दोबारा से फिंगर्स में लिया. अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं पहले अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. ये देखो ब्लू लिया, अच्छे से पूरे लिड एरिया पे लगाया और उसके बाद मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ. मैंने वीडियो को स्पीड अप नहीं किया है, मैं इसी तरीके से ब्लेंड कर रही थी धीरे धीरे. आप भी धीरे धीरे ही करना तो बहुत ही खूबसूरत आपका आई शेडो निकल के आएगा. उसके बाद मैंने ये फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश लिया और उस पर मैंने ब्लू शेड लगाया और अच्छे से बस लिड एरिया पर डैप डैप करके लगा रही हूँ. और उसके बाद मैंने ब्लैक आई शेडो लेके हल्का सा मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे हल्का सा स्मज लुक दे रही हूँ. उसके बाद मैंने काजल लगाई और काजल लगाने के बाद मैंने लगाया मस्कारा, बिकॉज मुझे फॉल्स आई लैशेज अप्लाई करने थे. आप जब भी फॉल्स आई लैशेज अप्लाई करो तो हमेशा अपने आई लैशेज को कर्ल करके मस्कारा लगा के उसके बाद ही आप फॉल्स आई लैशेज अप्लाई किया करो. सो आप देख सकते हो. उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो पॉइंटेड ब्रश होते हैं यहाँ पर मैं अपना जो मैंने आई मेकअप आई लुक किया उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ. एंड आफ्टर दैट आई अप्लाइड फॉल्स आई लैशेज. उसके बाद मैंने आई लाइनर लगाया और फॉल्स आई लैशेज लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर मस्कारा लगाया. एंड यू कैन सी कितना डिफरेंस आ गया है, राइट. और जस्ट लुक को कम्प्लीट करने के लिए मैंने लास्ट में फ्लैट ब्रश से ब्लू शेड लेके हल्का सा मैं हल्का हल्का स्मच कर रही हूँ. सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक. एंड आई होप आप लोगों को ये आई मेकअप अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो. और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.